हमीरपुर जनपद में पिछले कुछ दिनों पहले हुई तेज बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे अन्नदाताओं ने सर्वे कराने की मांग की है। वहीं तहसील रात क्षेत्र के किसानों ने बताया कि कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश से सैकड़ों किसानों की फसलें तबाह हो गई थी, लेकिन अभी तक सरकार ने सर्वे नहीं किया है। वहीं मामले को लेकर सैकड़ों किसानों का कहना है कि भारी बारिश से मूंगफली, मूंग आदि फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन लेखपाल की मनमानी और अन्य कर्मचारियों की लापरवाही के चलते फसलों का सर्वे करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का आरोप है कि लेखपाल ने पिछले वर्ष रबी की फसल गेहूं, मटर, चना आदि की फसल अत्यधिक ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह तबाह हो गई थी, जिसका लेखपाल ने मनमानी तरीके से सर्वे करके अपने चहेते किसानों का नुकसान सर्वे में दिखाकर मुआवजा दिलवा दिया था। लेकिन छोटे किसानों की फसलों का ना ही सर्वे किया गया और ना ही आज तक मुआवजा दिया गया। इसीलिए दुखी और बेबस किसानों ने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शासन प्रशासन से सर्वे करवाकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, ताकि अन्नदाताओं को रबी और खरीफ की फसलों का मुआवजा मिल सके। सारी फसल जो है पूरी खराब हो गई और सारे वर्दा मूंग सब खराब हो गई, कुछ नहीं है। और जो है 80% से कम नुकसान कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। डबल इंजन की सरकार है, योगी मोदी कहते हैं कि ये करो वो करो, कोई सुनने वाला ना कोई कोई आता है कर्मचारी ना अधिकारी कोई सुनता। समस्या तो ये है कि बहुत बारिश भई है और बहुत फसल भी सभी नष्ट हो गई है, 90% नुकसान है। और पानी भी बहुत गिरा है, पानी भरा है और कोई भी कर्मचारी कोई सुन नहीं रहा, न लेखपाल भी सुन रहा।